कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता ही था। वो तो आप इस जन्म में भी है। जावनाब, पहले ये तो जान ले कि ये वासु कुत्ते क्यों बने हुए। हाँ वासु भौंकिए, मतलब बोलिए। हाँ फूफू, एक नजूमी है। नजूमी यानी? हाँ हमें पता है, नजूमी यानी जोची। आगे भौंकिए मतलब पकिए। हाँ फूफू, उसने मुझे मेरा पिछला जन्म के बारे में सब बता दिया। बताओ। नजूमी पिछले जन्म के बारे में कैसे बता सकता है? फूफू सुनिए तो सही, वो नजूमी मुझे एक शांत कमरे में ले गया था जहाँ ध्यान, और ध्यान लगाओ, मन को एकाग्र करो। कुछ अनुभूति हुई? मुझे पता है, तारे ही तारे दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान में तैर रहा हूं। ये तुम्हारे इस जन्म और पिछले जन्म के बीच का समय है, और ध्यान लगाओ, मन को और एकाग्र करो। कुछ दिखा? हाँ, एक कुत्ता दिखाई दे रहा है जो बहुत जोर जोर से भौंक रहा है। ये तुम हो क्या? मैं पिछला जन्म में कुत्ता था? अरे वासु कुत्ते, हमारा मतलब है वासु कुत्ते, तेरी पूंछ कहाँ है? वो तो लगता है इनके दिमाग में घुस गई होगी, तभी इस जन्म में इनका दिमाग टेढ़ा है। दिमाग। वैसे दिमाग वाली बात यह है बीरबल, कि हम पिछले जन्म में क्या रहे हूं, कौन होंगे हम? जाफना ज्योतिष, पुनर्जन्म, इस पर हमारा विश्वास नहीं। और वैसे भी पिछला जन्म, पुनर्जन्म, ये बहुत ही विवादास्पद विषय है। पर आप क्या करेंगे अपना पुनर्जन्म जानकर? बीरबल, आप हर बात को साहूकार की तरह तोलने लग जाते हैं। हमारा जानने का दिल कर रहा है, इस नजूमी को हमारे सामने पेश किया जाए। अपना, हम नजूमी जी को लेकर आए हैं। अरे बुलाओ बेटा, बुलाओ बुलाओ, ले आइए ले आइए। छोड़े छोड़े हमें, छोड़े हमें। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए इन्हें, छोड़िए। क्यों लाया गया हमें यहाँ, क्या कसूर है हमारा? अरे फूफू को मेरी तरह पिछले जन्म के बारे में जानना है मजनू जी। नजूमी, नजूमी जी, फूफू को मेरी तरह पिछला जन्म के बारे में बता दो। दिमाग बताइए हमें, हम पिछले जन्म में क्या थे? कोई दाल भात है क्या? ओहो, दाल भात खाना है, मंगवाओ दाल भात। ए, दाल भात ले क्या हो रहा है? अरे हमें दाल भात नहीं चाहिए। हमारा मतलब है, कैसे बता दें, उसका एक तरीका होता है। आपको किसी शांत और बंद कमरे में चलना हो, ध्यान करना हो। बंद शांत कमरे में जहां जा बना और आपके अलावा कोई और नहीं हो। बिल्कुल, हम आपके साथ एक कमरे में बंद होने के लिए तैयार हैं। जा बना, आप हिंदुस्तान के बादशाह, इस तरह किसी अनजान आदमी के साथ अकेले, इसमें जान का खतरा हो सकता है। हम आपको नजूमी जी के साथ हरगिज नहीं जाने देंगे। चिंता ना करें बीरबल, जहां पना को कुछ नहीं होगा। लीजिए नजूम, बताइए। जहां पना, अब अपना सारा तनाव और सारी चिंताएं मिटाकर आप यहां लेट जाइए। जरूर, ये गया तनाव, ये गई चिंता और हम लेट गए। जहां पना, अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद।
और अब हम बांसुरी पर आपको एक धुन सुनाएंगे। वो धुन गौर से सुनिएगा, वो धुन आपको गहरे ध्यान में ले जाएगी। आपको सोने के लिए नहीं कहा था? अरे आपकी धुनी इतनी प्यारी थी कि नींद आ गई। मुआफी मुआफी। कोई बात नहीं, ध्यान कीजिए, गहरा ध्यान। कुछ महसूस हो रहा है आपको? हमें दिखाई दे रहा है कि हम जंगल में हैं, घने जंगल में। आप क्या कर रहे हैं वहां? ऐसा लग रहा है जैसे हम रास्ता भूल गए हैं। हमें कोई दिखाई दिया। पहचानिए, उसे पहचानिए। बीरबल जैसे लग रहे हैं, शिकारी के वेश में। उसके हाथ में एक खंजर भी है। बीरबल, बीरबल ने हमें मार दिया, मार दिया बीरबल ने। शांत 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 शांत। जो बीत गया सो बात गई। ध्यान लगाइए और पिछले जन्म में जाइए। ध्यान लगाइए। अब क्या दिख रहा है आपको? हम जंग की पोशाक में हैं, रणभूमि में हार रहे हैं, जमीन पर गिरे हुए हैं। हम तलवार लेकर कोई हमारे सामने खड़ा है। उसने तलवार उठाई। बीरबल ने हमें मार दिया, बीरबल ने हमें मार दिया। बीरबल ने? हाँ, बीरबल जैसे दिखने वाले आदमी ने अपनी तलवार से हमें मार दिया। यानी कि एक नहीं, दो बार। पिछले दोनों जन्मों में बीरबल आपकी मौत का कारण बना है। और क्या नजुमी? हमारे अब तक के अनुभव के अनुसार सारी घटनाएं 3 जन्मों तक एक सी होती हैं। मतलब ये जहां पना कि पिछले दोनों जन्मों में बीरबल ने आपकी हत्या की है, और बहुत संभव है कि इस जन्म में भी वो ऐसा ही कुछ प्रयास करे। और शायद यही कारण है कि वो आपको हमसे मिलने नहीं देना चाह रहे थे। बीरबल से बच के रहिएगा। शुक्रिया। रुकी राजा बीरबल, आप जहां पना के कमरे में नहीं जा सकते। आप बीरबल को जहां पना अकबर के कमरे में जाने से रोक रहे। आपका दिमाग तो ठीक है? जहां पना का ही हुक्म है। जहां पना का हुक्म है कि बीरबल को कमरे में ना आने दिया जाए। आपका दिमाग तो ठीक है। जहां पना कहते कुछ है और आप लोग सुनते कुछ। देखिए, वैसे भी हमें ये बहुत ही जरूरी दस्तावेज पर जहां पना के शाही मोहर लगवानी। हटे हटे। जहां पना बीरबल, आप अंदर कैसे आ गए? सिपाहियों ने आपको रोका नहीं? सिपाही जापना, इसका मतलब सचमुच आपने सिपाहियों से कहा था कि हमें अंदर ना आने दिया जाए? क्या हुआ जापना, ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ था। हमें पहले राज के बारे में पता भी तो नहीं था। कौन सा राज? बीरबल हाँ, जो भी है आप जाइए यहाँ से। हमें थोड़ा काम है, हमें अकेला छोड़ दीजिए। आप जाइए। अरे हमारे पीछे पीछे ये घूम क्या रहे हैं आप? क्योंकि जापना, ये बहुत ही जरूरी दस्तावेज है, इस पर आपसे शाही मोहर लगवानी। आप इन दस्तावेजों को यहाँ रख दीजिए। आप रख दीजिए, हम मोहर लगा देंगे। आप जाइए। जापना, क्या हुआ? हमसे कोई गलती हो गई? आप हमसे नाराज?
देखिए जापना, अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते। अब गुस्सा छोड़ दीजिए जापना, आप जापना ये पानी पी लीजिए और शांत हो जाइए। प्लीज पानी पीजिए आराम से। कहीं बीरबल ने इस पानी में जहर तो नहीं मिला दिया? कैसे भी करके मारना चाहते हैं हमें। अरे पानी क्यों फेंक दिया? बीरबल, अगर आप सचमुच हमारी सलामती चाहते हैं तो हमें छोड़कर चले जाइए, और हो सके तो हमारे नजदीक आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हम पर एहसान कीजिए, जाइए आप यहां से। लेकिन जब जाइए 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 निकल जाइए जाइए। हुजूर तो ऐसे नहीं थे बीरबल जी। हमारा फूफा तो शुरू से ऐसे ही है ना, मोटे नाटे। अरे हमारा मतलब ये है कि अब्बा हुजूर को आप पर सबसे ज्यादा यकीन था बीरबल जी, फिर आपको अपने आप से इतना दूर। हुई अम्मा, उफ़ यम्मा, हमसे आपकी और जहाँ पना के बीच की दूरी देखी नहीं जाती है बीरबल जी। आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम जहाँ पना की बेगम है। हो गए होंगे किसी बात पे नाराज। अरे बीरबल जी आप चिंता मत कीजिए, अगर फूफू नाराज है तो हम उनकी नाराजगी की हवा निकाल देंगे। हाँ, हम उनके कमरे में जाके धरना कर देंगे। हाँ, और उन्हें मना लेंगे। हाँ वासु, क्या धमाल की बात कही है तूने। वाह, रुक जाइए सज्जाद सलीम, जहां पना ने अंदर जाने से मना किया है वो आराम फरमा रहे हैं। अच्छा, ये चाहिए? ये लो, जाओ ऐश करो। मुझे भी कुछ दीजिए ना शहजादे सलीम। देते हैं देते हैं। वासो नहीं चलेगा, रवैया नहीं चलेगा, बीरबल जी को गले लगाओ, गले लगाओ, गले लगाओ, जा बना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ये रवैया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बीरबल जी को गले ही नहीं है, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या खूबसूरती है, मतलब ये क्या बेवकूफी है, ये क्या नारेबाजी लगा रखी है आप लोगों ने, और वैसे भी आप लोग यहाँ पर अंदर आए कैसे? सिपाहियों! अब्बा हुजूर, आपके सिपाहियों रिश्वत खोर निकले, हमने सबको और अब्बा हुजूर बेवकूफी हम नहीं आप कर रहे हैं। कैसी बेवकूफी? हुई अम्मा, हुफ़ यम्मा, आए जहाँ बना जान कर अनजान बनना तो कोई आपसे सीखे। हाँ फूफू, आप जल्दी से जवाब दीजिए कि आपको यह हक दिया किसने कि आप बीरबल जी से नाराज हो जाएंगे। आपको यह हक किसने दिया कि आप हमारे कक्ष में घुसकर हमारे सामने इस तरह नारेबाजी करें? बीरबल के साथ जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारा निजी मामला है, उसमें आप दखलंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। जो भी है अब्बा हुजूर, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे साथ अभी चलेंगे और बीरबल जी से मुआफी मांगेंगे और गले भी मिलेंगे। जरूर। अरे हमसे नहीं, बीरबल जी से। चले ना बाबू, चलो ना, चलो ना, चलिए ना, चलिए चलिए। आप सिर्फ उन्हें क्यों पकड़ रहे हैं, हमें पकड़िए। चलिए चलिए। नहीं, हम बीरबल से इस तरह मुआफी नहीं मांग सकते, हम बीरबल को गले नहीं लगा सकते। हम किसी को भी गले लगा सकते हैं लेकिन बीरबल को नहीं। पर क्यों जहां बना? हाय, आप दोनों की मजबूत दोस्ती में ये दरार कहां से आ गई? कैसा क्या हुआ? देखिए मतलब इसकी वजह हम आपको बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब लगता है कि वजह आपको बतानी ही होगी।
दरअसल नजूमी ने हमें नजूमी ने हमें बताया कि पिछले दोनों जन्मों में बीरबल ने आपकी हत्या की है और बहुत संभव है कि इस जन्म में भी वो ऐसा ही कुछ प्रयास करे। क्या बीरबल जी? ओए अम्मा, आप ही बताइए कि ये राज जानने के बाद बीरबल को अपने करीब कैसे आने दे सकते हैं? सही कहा अब्बा हुजूर, हमारे ख्याल से तो उस हत्यारे बीरबल को इस महल से किसी ना किसी तरीके से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अब वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है अब्बा हुजूर। हाँ, और अगर नजूमी जी ने ऐसा बोला है ना, तो हमें उनकी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ओए अम्मा, उफ अम्मा, हाय, ये तो घर में सांप पालने जैसा हुआ जो कभी भी आपको डस सकता है। हुई अम्मा, उफ़ अम्मा, हाय, ये तो घर में सांप पालने जैसा हुआ जो कभी भी आपको डस सकता है। इस जहर को हमें निकालना होगा। ये क्या कर रहे हैं बीरबल, क्या कर रहे हैं आप? जहां पना, हम आपकी जान ले रहे हैं, अब आपको हमारे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं बीरबल, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। करना पड़ेगा जहां पना। नजूमी ने आपसे सही कहा था, आप किस्मत में लिखा है जहां पना कि आपकी मौत हमारे हाथ होगी। अब आपको हमारे हाथ कोई नहीं बचा सकता जहां पना। कैसे कोई नहीं बचा सकता, कोई बचाओ हमें। हाँ, वो हम सोच रहे हैं कि आपको जालिम बीरबल से कैसे बचाएं। बीरबल जी, आप हमारे अब्बा हुजूर को छोड़ दीजिए, वरना हम अपनी शाही तलवार से आपके टुकड़े 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 कर देंगे। तलवार लाए। नहीं अब्बा हुजूर। शहजादे सलीम, जब तक आप जाकर शाही तलवार ले आएंगे, तब तक हम अपना ये छुरा आपके अब्बू जान के सीने में भोंप चुके होंगे। तैयार हो जाइए मरने के लिए जा बना। ये तो नकली है। जा पना नकली है। दीजूरी, दीजूरी, जा पना, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि बीरबल आपकी जान ले सकता है? हम तो आपके साथ एक छोटा सा मजाक कर रहे थे। दीजू, दीजू। मजाक कर रहे थे? जी हाँ जा पना, मजाक। याद है जा पना, कुछ दिन पहले आपने हमसे क्या कहा था? डर, डर, डर। बीरबल, ये डर किस बला का नाम है? जापना, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि आज तक आप किसी से नहीं डरे? जी हाँ बीरबल, हम आपसे यही कह रहे हैं, हमें कोई नहीं डरा सकता। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं जापना कि आज तक आपको किसी से डर नहीं लगा? हम 100% यकीन के साथ कह सकते हैं बीरबल, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ना आज से पहले कभी डरा है और ना कभी डरेगा। तो क्या जापना अब भी कहेंगे कि आप किसी से नहीं डरते? डरते बीरबल, अरे पसीना पसीना हो गए हम। हुई अम्मा, उफ़ अम्मा, हाय। इसका मतलब आप जहां पना को डर का एहसास कराने के लिए कर रहे थे बीरबल जी? अरे पर वो नजूमी का क्या है? वासु, वो नजूमी दरअसल एक सम्मोहन विशेषज्ञ है, जो किसी भी इंसान को सम्मोहित करके उसके मुंह से जो चाहे वो कहलवा सकता है। हमने उससे कहा था कि आपसे कहे कि आप पिछले जन्म में कुत्ता थे,
क्या? ओहो, ताकि ये वासु हमारे पास आए और इनके पीछे पीछे हम नजूमी को भी यहाँ बुलाएं। और फिर ये झूठ का तांडव, ये सम्मोहन का नाटक। वाह बीरबल वाह, ऐसा खेल आपके अलावा कोई खेल ही नहीं सकता। कोई शक जापन? नहीं बीरबल, थोड़ा सा जो शक बाकी था वो भी आज आपने दूर कर दिया। लेकिन हमसे वायदा कीजिए कि ऐसा खेल फिर कभी आप नहीं खेलेंगे, कम से कम हमारे साथ तो नहीं। जापना, ये वादा तो हम नहीं कर सकते। मतलब ये आप फिर से करेंगे? बीचूड़ी चूड़ी।